आईपीएल 2019 मैच 30 14 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ये दोनों ही टीमों के बीच रोमांचक टक्कर होगी। ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। रात 8 बजे से मैच शुरू होगा और इसका टॉस 7:30 बजे होगा। 12 अप्रैल को केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने दिल्ली के सामने 179 रनों का लक्ष्य रखा। दिल्ली ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 18.5 ओवर में 3 विकेट पर यह लक्ष्य हासिल कर 7 विकेट से इस मैच को जीत लिया। दिल्ली की ओर से खेलते हुए शिखर धवन और पंत की शानदार साझेदारी देखने को मिली। इन दोनों ने मिलकर 105 रन की धुआंधार पारी खेली। ऋषभ पंत की ओर से 31 गेंदों पर 46 रन बनाए गए, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। वहीं शिखर धवन ने 63 गेंदों में 97 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 11 चौके शामिल हैं। इस शानदार पारी के बदौलत दिल्ली ने इस मैच में जीत दर्ज की। तो वहीं पिछला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच 8 अप्रैल को खेला गया। इस मुकाबले में पंजाब ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन बनाए थे, लेकिन पंजाब की टीम ने इसे लक्ष्य को पूरा करके हैदराबाद को हरा दिया। हैदराबाद की ओर से खेलते हुए सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने नाबाद 70 रन बनाए। इस दमदार पारी में उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का भी चटकाया, लेकिन इसके बाद भी डेविड टीम को जीत नहीं दिला पाए। अब सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी, लेकिन अब देखना यह होगा कि दोनों टीमों में से जीत किसके हाथ लगती है। दिल्ली कैपिटल्स टीम: कप्तान श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, मनोज कालरा, कॉलिन मुनरो और बहुत सारे पॉपुलर खिलाड़ी हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी: कप्तान केन विलियमसन, जॉनी वेरिस्टो, यूसुफ पठान, डेविड वार्नर। इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स 1 पर देख सकते हैं और इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देख सकते हैं। कीजिए हमारे सोशल नेटवर्क को फॉलो और जीतिए ढेर सारे इनाम। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल tentrend.com और दबाएं बेल आइकन ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें।